बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। आदाब, बीबीएन न्यूज में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं मोहसिन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जेपी नड्डा बीजेपी के कौमी सदर मुंतखब, अमित शाह ने पार्टी सदारत की जेपी नड्डा को हवाले। भारत के बजट 2020 की छपाई का काम हुआ शुरू, वजारत खजाना में हलवे की रस्म, वजीर खजाना ने की शिरकत। रियासत केरला में नाफिस नहीं किया जाएगा एनपीआर, केरला काबिना की पीर को हुई मीटिंग में लिया गया फैसला। शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के पुसद में शुरू हुआ आंदोलन, खवातीन की कसीर तादाद मुतनाज़ा खवानीन की मुखालिफत में हुई एकजा। यंग इंडिया कोऑर्डिनेटर्स कमेटी का हैदराबाद में जमहूरियत बचाओ आइन बचाओ प्रोग्राम, प्रकाश राज ने की शिरकत, मोदी को कहा हिटलर। और तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की मुहिम का इख्तिताम, 22 तारीख को होगी पोलिंग। और अब खबरों की तफसील। जगत प्रकाश नड्डा को आज मुत्तफिका तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नया कौमी सदर मुंतखब कर लिया गया है। बीजेपी के मौजूदा सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्टी सदारत जेपी नड्डा के हवाले कर दी है। बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने जेपी नड्डा को पार्टी का नया सदर नामजद होने का बाकायदा ऐलान किया। बीजेपी के सीनियर कायदीन एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत दीगर की मौजूदगी में जेपी नड्डा को बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया। जेपी नड्डा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल दिल्ली असेंबली इंतखाबात होंगे। पार्टी मुख्यालय स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया सम्पन्न हुई। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वर्ष 2019-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा को सत्र 19-22 के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित करता हूं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, जिसके लिए तैयारियों का आगाज कर लिया गया है। और आज नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ वजारत खजाना में हलवे की रस्म के साथ ही बजट की छपाई का काम शुरू हो गया है। इस रस्म में वजीर खजाना के साथ वजीर ममलिकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर, फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार के अलावा दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। गौरतलब है कि बजट की छपाई हलवा बनाने की रस्म से शुरू करने की रिवायत काफ़ी अरसे से चली आ रही है। हलवे को मुबारक समझा जाता है और अच्छे काम की शुरुआत मीठे से की जाती है। आमतौर पर हलवा बनाने की रस्म में बजट बनाने वाले अफसरान ही शामिल होते हैं। हलवा बनाने के बाद वजारत के मुलाजिम बजट की छपाई में लग जाते हैं। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच बजट की छपाई का काम वजारत खजाना के बेसमेंट में होता है। केरला की मस्जिद में यतीम हिंदू लड़की अंजू की शादी शर्त के साथ गुज़िश्ता रोज़ इतवार को अंजाम दी गई। ये शादी चेरुवाली कायम कोलम की मस्जिद के अहाते में 19 जनवरी की दोपहर हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक अंजाम दी गई, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों की कसी तादाद ने शिरकत की। देखिए ये रिपोर्ट। रियासत केरला के चेरुवाली मौजा की जामा मस्जिद के करीब रहने वाली गरीब हिंदू खानदान से ताल्लुक रखने वाली 22 साल लड़की अंजू की शादी तय हुई थी। इस दौरान लड़की का बाप फौत हो गया, जिसके बाद से ये खानदान माली मुश्किलात का शिकार हो गया था। शादी तय होने के बाद लड़की की मां ने इस मसले को मस्जिद के जिम्मेदारों के सामने रखा था। मुकामी सतह पर वाक़ मुसलमानों की जमात कमेटी के सेक्रेटरी नजमुद्दीन ने शादी करवाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने शादी के लिए अंजू को तिलाई जेवरात और 2 लाख रुपए देने के साथ साथ
शादी में 1000 अफराद के खाने के इंतजाम भी किए। इतवार के रोज शादी में मुख्तलिफ डिशेस का भी एहतमाम किया गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलजुल कर अंजू की शादी की तमाम रसूमात अंजाम देते हुए उसको विदा किया। रियासत केरला की एक मस्जिद में हिंदू लड़की की शादी पर केरला के चीफ मिनिस्टर विजयन ने मसरत का इजहार किया और इसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल करार दिया। उन्होंने नए जोड़े को मुबारकबाद देते हुए मुकामी मुसलमानों के जज्बे की सताइश की। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। केरला काबीना ने रियासत में आबादी के कौमी रजिस्टर यानी एनपीआर को नाफिस ना करने का फैसला किया है। काबीना की पीर के रोज़ हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि रियासत में एनपीआर नाफिस नहीं किया जाएगा। हालांकि रियासत मरदमशुमारी में ताउन करेगी और अपने फैसले को मरकजी रजिस्ट्रार जनरल और मरदमशुमारी कमिश्नर और रियासती मरदमशुमारी के डायरेक्टर को मुताला करेगी, लेकिन एनपीआर पर रियासत में नाफिस नहीं किया जाएगा। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। ख़ास तौर पर दिल्ली के शाहीन बाग में ख़वातीन की जानिब से किए जा रहे एहतजाजी धरने ने मुल्क में अपनी अलग शनाख्त बना ली है। इसी नौयत के गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने ने अब मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर भी शुरू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के शहर पुसद में भी ऐसे ही एक धरने का आज से आगाज़ किया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली के शाहीनबाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के शहर पुसद में भी कुल जमाती तहरीक की जानिब से संविधान बचाओ देश बचाओ के नाम से एजाज अहमद खान मैदान वाशी रोड पर खवातीन का गैर मुअय्यना एहतजाजी धरना शुरू हो गया है। आज दोपहर 2 बजे से इस एहतजाजी धरने की शुरुआत हुई और जौक दर जौक न सिर्फ मुस्लिम खवातीन बल्कि गैर मुस्लिम खवातीन मासूम बच्चियाँ बच्चों ने इस एहतजाजी धरने में शिरकत की और इन मुतनाज़ा खवानीन के खिलाफ अपने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए नजर आए। धरने में पुसद की नगर अध्यक्ष अनीता नायक ने भी शिरकत करते हुए इस आंदोलन की हिमायत की। जमा है तो बाद में पता चला कि एनआरसी के बारे में बैठी है। अब मोदी ने लगाया है हम पर कायदा पूरे भारत पर, उनको सोचना चाहिए कि कैसे ये एनआरसी लगाया जाए, सीए लगाया जाए। आप सब जिस समर्थन में यहाँ इकट्ठी हुई है, मैं भी आपके समर्थन में हूँ। धरने में मौजूद खवातीन ने बताया कि हुकूमत ने जो ये सिया कानून नाफिज किया है, ये दस्तूर मुखालिफ कानून है और हम इस कानून की मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि इस कानून से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हमारे बिरादरान वतन भी मुतासिर होंगे। हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हुकूमत इन खवानीन को वापस नहीं ले लेती। हम दस्तूरी तरीके से ये लड़ाई जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। महिला धरना आंदोलन हमने शुरू किया है। यहाँ पर हर धर्म हर जाति की औरत आकर यहाँ धरना देंगी। ये सीए और एनआरपी का जो कानून है ये देश विरोधी है, ये इंसानियत विरोधी है। आर्टिकल नंबर 14, 15 और 20 बन जो है उसका पूरा विरोध करता है ये कानून सीए और एनआरसी, और हम लोग इसकी मुखालफत करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बहुत सारे जितने भी समाज में हमारे साथ लोग रहते हैं वो सब हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। ये एक नारी शक्ति का प्रदर्शन है। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा ये आंदोलन पुसद में जारी रहेगा। यंग इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी हैदराबाद चैप्टर की जानिब से धरना चौक पर जमहूरियत बचाओ आइन बचाओ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलुगु फिल्म एक्टर प्रकाश राज, प्रोफेसर पीएल विश्वेश्वर के अलावा शहर की सरकर्दा शख्सियात और मर्द खवातीन की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर प्रकाश राज ने खिताब भी किया। वाज़ेह रहे कि यंग इंडिया मुल्क भर के 30 तलबा तंजीमों के इश्तराक से बनी कमेटी है जिसका मकसद भारत में मुतनाज़ा खवानीन सीएए एनआरसी और एनपीआर से दस्तबरदारी के लिए हुकूमत पर दबाव डालना और जमहूरियत और आइन का दिफा है। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रकाश राज ने मोदी को हिटलर बताया और कागज़ नहीं बताने की बात कही। देश सबका है, ये देश हमारा है। आप जो सूट पहनते हैं ना, सूट हमारा टैक्स है वो।
आपका वर्ल्ड ट्रैवल जो बनता है ना, हमारा टैक्स है भाई। आपका कैमरामैन, आपका मीडिया, सभी हमारा पैसा है। ठीक कहा बहन ने, नौकर है तू, काम कर, काम कर। अगर करना है तो बहुत काम है इस देश में। एक लीटर दूध को 10 लीटर पानी में लगा के 100 बच्चों को पिला रहे ना, उसको देख। 3000 करोड़ों का स्टैचू नहीं चाहिए हमको। अगर बनाना है नेशनल रजिस्टर, बना बना, सिटीजनशिप का नहीं, ऐसा रजिस्टर बना जहां रोजगार कितने लोगों को है, अनएम्प्लॉयमेंट का रजिस्टर बना, कागज दिखाएंगे। सरदार पटेल ने वार्न किया था आरएसएस को, जब उनको बैन करने के बाद वापस लिया तो उनको वार कर दिया था। आप एक बोलते हैं करते हैं दूसरा, ये नाटक मत करो। अब हम लोग इसको बीजेपी से कहते हैं, हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं। दिस गाइज आर डेंजरस, दे नो इट इज डेंजरस, वे कुछ भी लीगल लॉ पॉइंट लेके आओ, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट रीराइट। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।